राज्यपाल ने किया जय फाउंडेशन के एम्बुलेंस का उद्घाटन। ठाणे कोरोना काल में कई ऐसी संस्था है जिसके द्वारा लोगों की दिन रात सेवा की गई, जिसमें ठाणे से कार्यरत रुद्र प्रतिष्ठान व जय फाउंडेशन ने भी हजारों लोगों की सेवा की। गौरतलब है कि जय फाउंडेशन के संस्थापक धनंजय सिंह ने कोरोना काल में अपने पिता श्री स्व रामलोचन प्रसाद सिंह को खो दिया था, जिनके याद में आज उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लालमंती देवी के द्वारा फ्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। बता दें कि इस एम्बुलेंस का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों किया गया और इस नेक कार्य के लिए राज्यपाल ने धनंजय सिंह का तारीफ करते हुए कहा कि धनंजय सिंह के इस एम्बुलेंस से लाखों लोगों की सेवा की जाएगी। तो वही धनंजय सिंह ने बताया कि कोरोना काल में लाखों लोगों ने अपने माता पिता और बुजुर्गों को खो दिया और मैंने भी अपने पिता को खोया है। मेरे एक छोटे से प्रयास से लाखों लोगों को फ्री एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकेगी और हजारों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, बीजेपी विधायक संजय केलकर, उद्योगपति ठाकुर अमर सिंह, एडवोकेट अमित सिंह, तुषार नाइक, निखिल पाटिल आदि लोग मौजूद रहे। आज राजभवन में माननीय आदरणीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथ से करकमलों द्वारा ये एम्बुलेंस जो जय फाउंडेशन की है, हमारे जो धनंजय सिंह है उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है, उनके पिताजी के स्मृति में उनकी याद में ये एम्बुलेंस का लोकार्पण माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथ से किया है। और उनकी इच्छा है, वैसे तो उन्होंने बहुत सारा कोविड की महामारी में भी बहुत सारा काम किया है, पहली जब भी लाट थी, अभी दूसरी लाट में भी धनंजय सिंह, जय फाउंडेशन, ये सारे उनके संस्थाओं ने बहुत काम महामारी में कोविड में थाना में भी किया, थाना के आसपास भी किया है। और ये एम्बुलेंस देने की वजह से, और इसकी वजह ये है कि कई पेशेंट जो है वो एम्बुलेंस के बिना भी मृत हो गए, कई लोगों को एम्बुलेंस समय पे मिली नहीं। तो ये सारी कोविड की महामारी मद्देनजर रखते हुए जो गरीब है, जो गरीब लोगों के लिए ये बिना शुल्क ये एम्बुलेंस उन्होंने देने की संकल्प किया है और आज ये एक अच्छा काम उसका शुभारंभ इस महामहिम जी के हाथ से यहाँ पे हुआ है। मुझे खुशी है कि हमारे धनंजय भाई जी ने, जैसे हमारे आदरणीय केलकर साहब ने कहा कि महामहिम साहब के कर कमलों द्वारा ये कार्यक्रम होना हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। उनके मन में पिताजी के देहांत के बाद एक रुख सी थी, माताजी का भी ये कहना था कि भी हम तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन पिताजी की प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम उन्होंने यहाँ किया। आज एम्बुलेंस का योगदान, जैसे केलकर साहब ने कहा कि बहुत से थाना में लोग हैं कि जिनको एम्बुलेंस से अपने मरीज को लेके जाना भी पैसा नहीं है उनके पास, तो ऐसे इसमें मुफ्त की सेवा, ये बहुत बड़ा विचार आज आवश्यक है समाज के लिए। जो आज वो शुरू कर रहे हैं उनके विचार को, उनके काम को मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कि सेवा की भावना उनमें हरदम रही है और उनके माध्यम से बहुत लोगों की, और जात धर्म भाषा प्रांत ऐसा नहीं कि मैं इसकी सेवा करूँगा, इंसानियत की सेवा करने वाले हमारे धनंजय भाई और उनका पूरा परिवार और उनके साथी ऐसे ही काम करेंगे। आज महामहिम साहब ने उनको शुभकामनाएं दी है, केलकर साहब का सहयोग हरदम उनको मिला है, आने वाले भविष्य में और अच्छा काम रुद्र प्रतिष्ठान और जय फाउंडेशन करेगा, ऐसे मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। कल महामहिम जी के शुभ हस्ते इस एम्बुलेंस का उद्घाटन हुआ है। इस अमूल्य टाइम पे हमारे सांसद जी श्री संजीव नाइक जी, थाना के हमारे आमदार श्री संजय केलकर जी, इन्होंने अपना अमूल्य टाइम निकाल के इस उद्घाटन समारंभ में माननीय राज्यपाल जी के समक्ष उपस्थित होकर इस पे उनका सहभाग दिया, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और माननीय राज्यपाल जी के भी बहुत बहुत आभारी हैं। इसी के साथ ये एम्बुलेंस जो है ये हमारे रुद्र प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री धनंजय सिंह हैं, पिछले साल कोविड में उनके पिताजी का देहांत हो गया, बड़ी दुख की बात है, देहांत नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये महामारी इस तरह से फैली हुई, कभी किसी को छोटा बड़ा ऊंच नीच देख के नहीं आती, किसी को भी लग जाती, और
उसमें उनका देहांत हो गया, उस बड़ी दुखी बात है। तो दुख के को याद में इस एम्बुलेंस का उद्घाटन गरीबों को हमेशा कोरोना महामारी के वक्त कहीं पर भी आने जाने के लिए इसकी फैसिलिटी उपलब्ध हो, पिताजी की याद में इसको यहाँ पे लाके राज्यपाल के शुभ हस्तों इसको उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं राज्यपाल जी का, सांसद जी का, आमदार जी का और श्री धनंजय जी हमारे विद्य प्रतिष्ठान के जो अध्यक्ष हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत दुख भरा था लेकिन हमारे लड़का ने स्वीकार किया। इसमें पब्लिक के लिए अपना दुख छोड़ के इंसान पब्लिक के लिए भला किए। मैं आज बहुत ही हमारे लिए एक शुभ अवसर है। पिछले कई दिनों से हमने पूरे हमारे संस्था रुद्र प्रतिष्ठान जय फाउंडेशन महाराणा प्रताप राजपूत महासंघ थाना में, मतलब ये जो संस्थाएं हैं किसी नाम का मोहताज नहीं है, अपनी श्रद्धा से निस्वार्थ भावना से हम लोगों ने मिलके जो भी हो सकता था अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए समाज के लिए काम किया है। एक टीम वर्क है, हमारी पूरी टीम ने काम किया है। और इस सेवा काल में हमारे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई, हमारे पूज्य पिताजी कोरोना के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। उसी दिन से दिल में कुछ था कि पापा जिनके आशीर्वाद से जिनके मार्गदर्शन में आज तक हम लोग ऐसे सेवा करते रहे तो कुछ ऐसा हो जिसके कारण वो हमारी यादों में हम सभी के दिल में हमेशा जिंदा रहें। और माता जी के विचार से ये एक एम्बुलेंस गरीबों के लिए निःशुल्क देने का हम लोगों ने एक मन बनाया, जिसके लिए हमारे बड़े भाई श्री अमर सिंह जी ने हम लोगों को हौसला अफजाई की और उनका आशीर्वाद मिला कि नहीं ये काम करना चाहिए। हम लोगों के बीच में श्री सुभाष कमल जी और वर्षा कमल जी जिन्होंने हर समय हम लोगों को मदद किया है। और आज इस शुभ अवसर पर हमारे पूर्व सांसद श्री संजीव नाइक जी, हमारे थाना के विधायक श्री संजय केलकर जी और हम सभी लोगों ने मिलकर जो एक अच्छा काम किया, इसको इस उत्साह को बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के हमारे महामहिम श्री राज्यपाल कोश्यारी जी ने आज अपना अमूल्य समय देकर हम सभी लोगों को एक हौसला दिया, एक हिम्मत दी कि आगे इस तरीके से इस काम को लगातार जनसेवा में होते रहें जिसका लाभ हर ज़रूरतमंद को मिले। इसी के साथ मैं आप लोगों का भी धन्यवाद कहूँगा कि कोविड के जैसे समय में आप लोग भी हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।